दोस्तों सनी देओल स्टार ने मूवी गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर आज 21वां दिन कंप्लीट कर रही है। वहीं दोस्तों आज रक्षाबंधन की छुट्टी होने की वजह से मूवी की कलेक्शन में दोस्तों काफ़ी अच्छा उछाल देखा गया और दोस्तों गदर 2 मूवी ने पठान मूवी के 21 दिनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बात करेंगे दोस्तों गदर 2 मूवी के 21 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ में जानेंगे इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। साथ ही दोस्तों सनी देओल को इंडिया बेहतरीन सुपरस्टार मानते हो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों बात करें गदर 2 मूवी के बजट और कलेक्शन के बारे में, दोस्तों इस मूवी का बजट था 80 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों इस मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया था। इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इसी के साथ इस मूवी में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे। बात करें दोस्तों गदर 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो गदर 2 मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन दोस्तों इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ 8 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और दोस्तों गदर 2 मूवी ने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। अगर दोस्तों इसी के साथ गदर 2 मूवी के पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात कर लें, तो इस मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 284 करोड़ 63 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इस मूवी ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 369 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। बात करें दोस्तों गदर 2 मूवी के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के बारे में, तो दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 134 करोड़ 47 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने दुनिया भर से दोस्तों 176 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वही दोस्तों गदर 2 मूवी ने अपने 15वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। 16वें दिन दोस्तों इस मूवी ने इंडिया से दोस्तों 13 करोड़ 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने 17वें दिन 16 करोड़ 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। और गदर 2 मूवी ने दोस्तों 18वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 60 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने 19वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और दोस्तों इस मूवी ने 20वें दिन कल दोस्तों रक्षाबंधन के एक दिन पहले दोस्तों 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों आज इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर 21वां दिन है दोस्तों। आज मॉर्निंग से ही मूवी की जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है दोस्तों काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। और दोस्तों ये मूवी आज 21वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है। बात कर लें दोस्तों गदर 2 मूवी के 21 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 487 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों अभी तक इस मूवी ने 630 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से 21 दिनों के कलेक्शन के हिसाब से दोस्तों गदर 2 मूवी ने पठान मूवी के 21 दिनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। अब दोस्तों देखना काफी लाजवाब होगा दोस्तों गदर 2 मूवी पठान के लाइफ टाइम रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर इंडिया की दोस्तों बॉलीवुड की नंबर 1 मूवी बन पाती है नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आप।